राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। शेखर यादव, राम सिंह यादव, अनिल, जावेद, गुंजन, लईक अहमद साहब, महेंद्र यादव, केडी सरोजी, मुकेश यादव, सुबेन छोटेलाल, मोहम्मद मुस्लिम से लेकर के यहां पर इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं बहनें, नौजवान साथी और हमारे सभी जिम्मेदार पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस धाम पर और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। नंद बाबा के स्थान का ये स्थान, जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, याद है कि नहीं? याद है, मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है।
और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक ग्यारह होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक ग्यारह हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और सीधा